गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। देखिए आज हम सीखेंगे आओ अंग्रेजी पढ़ना सीखें। पढ़ना सीखें। अंग्रेजी पढ़ना हम कैसे सीखेंगे? देखिए आपके पास एक मोबाइल होता है, मोबाइल में नीचे कीपैड होती है और आपको कोई टेक्स्ट मैसेज पढ़ना है या लिखना है कि तुम कैसे हो। अगर आपको जैसे एक होता है कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये तो प्योर इंग्लिश हो गई, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। अभी ज्यादातर टेक्स्ट यू चलता है, आपका कौन सा चलता है? ये चलता है आपका ई यू एम, तुम के ई एस ई, कैसे हो। अभी इन तीनों टेक्स्टों में से आपका जो है ये वाला चलता है। तीनों टेक्स्टों से कौन सा टेक्स्ट चलता है आपका? ये आप मैसेज पढ़ते हैं या लिखते हैं तो इस भाषा में लिखते हैं और इस भाषा को कहते हैं हम लैटिन भाषा। कौन सी भाषा कहते हैं हम? लैटिन। लैटिन, लैटिन भाषा कहते हैं। समझ गए आप? अब जैसे आपका यहाँ पे लिखा हमने जैसे सी ए टी कैट, सी ए टी कैट, हमने सी को क्या बोला? सीखो क्या बोला हमने? का एक ही मात्रा लग गई हमारी ए, ए से, और टी से बना टा, तो ये क्या हो गया हमारा? कैट। क्या हो गया हमारा? कैट। इसे एक बड़ी स्पेलिंग लेते हैं। हमने जैसे लिखा मैंगो, क्या लिखा हमने? मैंगो। मैंगो एंड किससे बना? मै से, और एक ही मात्रा किससे आ गई हमारी? ए से। एल से लग गई बिंदी और जी से बना ग और ओ से लगी ओ की मात्रा। क्या बन गया आपका? मैंगो। क्या बन गया आपका? मैंगो। मैंगो। तो आज हम इसी तरीके से इनको अक्षरों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में सीखेंगे। देखिए आपके सामने वर्णमाला इस तरीके से लिखी है, आप इसको इजीली याद कर लेंगे। समझने की कोशिश करेंगे बच्चे, जैसे हिंदी में आपका छोटा आ लिखा है तो उसके लिए एक उपयोग करेंगे, बड़ा आ के लिए डबल ए आ जाएगा, छोटी ई के लिए ई का प्रयोग करेंगे और बड़ी के लिए आप आई या फिर डबल ई का प्रयोग करेंगे, डबल ई का प्रयोग करेंगे। छोटे ऊ के लिए यू का प्रयोग करेंगे, बड़े ऊ के लिए आप डबल ओ का प्रयोग करेंगे, नीर के लिए आप आ रहे हैं, ए के लिए ई का प्रयोग करेंगे, आई के लिए ए आई का ए ई का प्रयोग करेंगे, ओ के लिए ओ का प्रयोग करेंगे, आओ के लिए ए यू का प्रयोग करेंगे, अंग के लिए ए एम का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से आप ए के लिए ए एच ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से कै के लिए के का या सी ए का प्रयोग करेंगे आप, खै के लिए के एच ए, गे के लिए जी ए, घे के लिए जी एच ए का प्रयोग करेंगे, नए के लिए एन ए का प्रयोग कर देंगे और छ के लिए सी एच ए का प्रयोग करेंगे। छ के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? सी एच एच यानी डबल एच ए का प्रयोग करेंगे। जे के लिए आप जे ए का प्रयोग करेंगे और जी का प्रयोग भी कर लेते हैं। झ जे एच ए का प्रयोग करेंगे। आई के लिए ए खाली के लिए एन ए का प्रयोग कर लेंगे। टै के लिए आगे देखेंगे आप, टै के लिए टी ए का प्रयोग करेंगे, ठ के लिए टी एच ए का प्रयोग करेंगे, ढ के लिए डी ए का प्रयोग करेंगे, ढ के लिए डी एच ए का प्रयोग करेंगे, न के लिए एन ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से आप आगे समझेंगे, ई के लिए टी ए का प्रयोग करेंगे, ठ के लिए आप टी एच ए का प्रयोग करेंगे और दे के लिए आप डी ए का प्रयोग करेंगे, डी ए और टी एच ए का प्रयोग करते हैं द के लिए।
है के लिए आप डी एच ए का प्रयोग करेंगे, एन के लिए एन ए का प्रयोग करेंगे, टी के लिए पी ए का प्रयोग, एफ के लिए आप पी एच ए या एफ ए का प्रयोग करेंगे, आप बी के लिए बी ए का प्रयोग करेंगे, है के लिए बी एच ए का प्रयोग करेंगे, एन के लिए एम ए का प्रयोग करेंगे, ये के लिए वाई ए का प्रयोग करेंगे, रे के लिए आप आर ए का प्रयोग करेंगे, ले के लिए एल ए का प्रयोग करेंगे, वे के लिए बी ए या फिर डब्लू ए का प्रयोग करेंगे, श के लिए एस एच ए का प्रयोग करेंगे, और श एस एच ए का प्रयोग ये भी वही सेम रहता है ऊपर, स के लिए एस ए का प्रयोग या फिर सी ए का प्रयोग करते हैं, है के लिए एच ए का प्रयोग करते हैं, है के लिए एच ए का प्रयोग करते हैं, श के लिए के एस एच ए का प्रयोग करते हैं, त्र त्रे के लिए आप टी आर ए का प्रयोग करेंगे, ज्ञ दे के लिए आप जी वाई ए का प्रयोग करेंगे। अगर ये वर्णमाला आप याद कर लेते हैं तो इंग्लिश सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप लोग समझ रहे हैं? Yes, समझ रहे सभी बच्चे? Yes, तो इंग्लिश पढ़ने से पहले या सीखने से पहले आपको ये चार्ट या वर्णमाला हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखनी होगी, तभी आप इंग्लिश सही से पढ़ पाएंगे। ठीक है? Yes, कर पाएंगे बच्चे? Yes, बेस्ट ऑफ लक।